हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे बटर स्कॉच आइसक्रीम। इसके लिए मैंने 3 कप दूध लिया है, 1 इलायची, 1 कटोरी में हम ठंडा दूध ले लेंगे, 3 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, अरारोट मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। दूध थोड़ा उबल जाए तो इसे डाल देंगे, मिक्स कर देंगे दूध में। अब इसे हम थोड़ा उबाल लेंगे। आठ टेबल स्पून चीनी डालेंगे। अब ये हमारा दूध पक गया है। इसमें 2 ब्रेड स्लाइस की डालेंगे। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसे फ्रीज में रख देंगे जमने के लिए फॉर 1 आवर। ये हमारी आइसक्रीम जम गई है थोड़ी सी, 1 घंटा हो चुका है तो मैंने इसे निकाल लिया है। अब इसे हम फिर से ग्राइंड करेंगे। और इसमें मिलाएंगे 3 चम्मच मलाई, फ्रेश मलाई या क्रीम, एसेंस, बटर स्कॉच एसेंस, 1 चुटकी येलो कलर। इसे गार्निश करने के लिए हम बनाए एक पैन लेंगे, उसमें बटर डालेंगे, चीनी, अब एक सिरप बना लेंगे। अच्छे से इसे चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके नहीं। 1 चुटकी भर सोडा। अब इसे चेक कर लेंगे, अगर ये टूटने लगे, देखिए मैंने चेक किया है ये टूट रहा है, तो हमारा सिरप रेडी है। इसमें 1/2 नींबू भी ऐड कर लेंगे। अब इसे हम ग्रीस की हुई प्लेट में डाल देंगे। पहले हमने ग्रीस कर लिया है प्लेट को, अब इसे डाल देते हैं सेट होने के लिए। ये सेट हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसे क्रश कर लेंगे। बारिश, गर्मी का टाइम है तो आइसक्रीम सबको पसंद आती है। अब हमें क्रश कर लिया है। अब इसे हमने जो ग्राइंड किया था वो हम डाल देंगे। अब इसे गार्निश कर लेंगे। गर्मी का टाइम है तो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाइए, बिल्कुल बाजार जैसी बनती है। लॉकडाउन में मार्केट जैसी आइसक्रीम, देखिए रेडी है, हमने इसे निकाल दिया है। ये पूरी तरह जम चुकी है, बहुत ही टेस्टी होती है, आप इसे ज़रूर बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।